ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश में महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए धान के बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए और चक्रवात फेंजल के असर से कल दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए कई प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाने का भी सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दोगुनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया। 3 दिन के सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक रैंक के लगभग 250 अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमिलनाडु में आए चक्रवाती तूफान फेंजल के असर से प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए धान को बारिश से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस संबंध में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान चल रहा है। अब तक किसानों से 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 3,706 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। राज्य शासन के अनुसार धान उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव न होने के कारण केंद्रों में जाम की स्थिति और किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कत का समाधान हो गया है। राइस मिलर्स ने धान खरीदी केंद्रों से धान का नियमित रूप से उठाव करने और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है। लघु उद्योग भारती और भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हुई बातचीत के दौरान राज्य शासन ने मिलर्स की बीते वर्षों की बकाया राशि के जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। अब धान उपार्जन केंद्रों से राइस मिलर्स लगातार धान का उठाव करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज रायपुर जिले के व्यवहार न्यायालय आरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरंग में व्यवहार न्यायालय की स्थापना से पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिए कार्य का अच्छा वातावरण निर्मित होगा। साथ ही पक्षकारों को मामलों की सुनवाई के लिए रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। आज ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी अब से कुछ देर पहले आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। आज विष्णुदेव साय जी के अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में पहला निर्णय जिस नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रारूप को अनुमोदन किया गया। यानी अब प्रत्यक्ष प्रणाली से
महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर जो आंकड़े आए हैं उस आधार पर नगरी निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कल राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा करेंगे। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह के अवसर पर राज्य भर से लगभग 5,000 दिव्यांगजन इसमें शामिल होंगे। राजभवन में आज असम और नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटो अभियान से प्रभावित होकर आज दो माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले ये माओवादी पूर्वी बस्तर डिवीजन के आमदई एरिया कमेटी के अंतर्गत तोड़मा RPC में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित इन दोनों माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही शासन की विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। रायपुर रेंज की साइबर थाना पुलिस ने सिम स्वैपिंग, क्रिप्टोकरेंसी और शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को अलग अलग 6 मामलों में दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, पुणे, मुंबई और नासिक से पकड़ा गया है। इन आरोपियों के बैंक खातों से लगभग 6,00,000 रूपये पीड़ितों के खाते में जमा किए गए हैं। इसके साथ ही बैंक अकाउंट में होल्ड 4 करोड़ रूपये से अधिक की राशि पीड़ितों के खातों में जल्द वापस करने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तार आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा पर जेल भेज दिया गया है। उधर सक्ती जिले की बाराद्वार पुलिस ने 2 व्यक्तियों से रकम दोगुना करने के नाम पर 23,50,000 रुपए ठगी करने वाली कंपनी के डायरेक्टर की पत्नी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर सहित 3 आरोपी फरार हैं, जिनमें से 2 आरोपी ओडिशा के रहने वाले बताए जाते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवात फेंजल के असर से प्रदेश में कल दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि बस्तर संभाग में 4 दिसंबर तक वर्षा का दौर चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात फेंजल कमजोर होकर एक अवदाब के रूप में उत्तर तमिलनाडु के ऊपर स्थित है। वहीं बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन लगातार जारी है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। अगले 24 घंटों में बादल छंटने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश में महापौर, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए धान के बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए और चक्रवात फेंजल के असर से कल दक्षिण
छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।